फिर भाई उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं दिखाने वाला हूँ एंटोर्क में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसे करें। तो ये अपने भाई है एस जाट, ये करके दिखाएंगे आपको क्योंकि कैसे ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं। दिखाओ भाई। भाई सबसे पहले तो आप है ना अपना एंड्रॉयड फ़ोन ऑन कीजिए, एप्पल हो एंड्रॉयड हो कुछ भी हो, ठीक है। उसमें आपको डालना है TVS कनेक्ट, ठीक है। उसको क्लिक करना है, इसको इंस्टॉल कर देना है आपको TVS कनेक्ट को। थोड़ा सा नेट का चल रहा है इशू होने वाला है। तो ये देख सकते हो आप, ये हो गया है कनेक्ट। इसको ओपन कर लीजिएगा, ऐसे लिखाएगा कुछ TVS। लोकेशंस आपके होनी चाहिए फ़ोन की, और जो भी करें, जैसे आप अगर नए बंदे हो तो आपको सिंग अप पर क्लिक करना है, और आप अगर आपने पहले कनेक्ट किया है तो आपको लॉगिन पे करना है। अच्छा, साइन अप में क्या क्या? साइन अप में आपको सर ये रहना है कि आपको नए नहीं है तो आपको उसको अपना अंदर मोबाइल, जो मोबाइल नंबर आपका वो रजिस्टर्ड, जिससे आपने बोले स्कूटी खरीदने का, आपको मोबाइल नंबर तो दिया हुआ अपना। अच्छा, वो मोबाइल नंबर और चेसी नंबर डालना होता है। चेसी नंबर दिखाता हूँ आपको, दिखा दीजिए इनको। अगर आपके पास RC नहीं आई हो, अच्छा, तो आप यहाँ से देख सकते हो ये चेसी नंबर ये डाल के आपको आ जाएगा। अगर आपकी नई स्कूटी खरीदी है, आप RC का वेट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट का वेट कर रहे हो, उसके वेट मत करो, ये नंबर डालते ही आपके ऐप में लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑन कर दी मैंने, पहले ही अपना बना रखा है लोगो, मेरा नाम भी आ रहा है उसमें, हेलो सागर कुमार। अच्छा, तो मैं लॉगिन कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से इसमें ID बनाई हुई है। तो खाली दो चीज़ डालनी है, चेसी नंबर और अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड फोन नंबर जो आपने स्कूटी ली थी। स्कूटी ली, हाँ लिया था, जैसे मैंने डाल रखा है अपना। थोड़ा सा मैं हटा ही डाल देता हूँ, ठीक है जी। देख लीजिए, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला था, इस पर OTP TVS की तरफ से आ गया, देखिए ऑटोमेटिक और फिल सबमिट करना है, अलाउ मांग रहा है, जो भी मांग रहा है उसको अलाउ करते रहना है आपको। अलाउ करने के बाद देख सकते हो मैंने अपनी यहाँ पर अपनी अपनी प्रोफाइल का आप फोटो भी लगा सकते हो उसमें, एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी, जैसे नाम वाम मैंने अपना डाला हुआ है, सब कुछ आप वो सब डाल सकते हो। अब आपको देखना है आप उसको क्या क्या, मैंने नो राइट पे मैंने इसको ऑन करा था, क्या क्या लाइक करिए, राइट डिटेल्स आपको दिखाएगा कि आपने कैसे कैसे कितनी भगाई है, कितना पिकअप है, कितना फ्यूल है। इस टाइम आपको फ्यूल एक्टिविटी दिखाई होगी इसने कि आप क्या फ्यूल 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट आपको दिखा रहा होगा। देखिए इसमें आपको क्या क्या है, आपको मैं बता देता हूँ। इसमें आपको पहले अपना व्हीकल कनेक्ट करना है, व्हीकल कनेक्ट करने से पहले आपको अलाउ ऑल टाइम इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ठीक है, आपको बैक कर देना है। आपका डिवाइस में सर्च हो रहा है, डिवाइस आपका आ जाएगा TVS BT, इस पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो गया है, दिखाइए, कनेक्ट सक्सेसफुली, हेलो सागर कुमार। जहाँ भी आपकी स्कूटी होगी, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, वो नाम यहाँ पर लिखाएगा सामने, देखिए न्यू दिल्ली। अच्छा, अगर गुड़गांव होगा तो गुड़गांव लिखा आएगा। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मेरा कनेक्ट हो चुका है। इसमें अगर आपको नेविगेशन लानी है तो आप नेविगेशन भी डाल सकते हो, इसमें आपको लिखा जाएगा नेविगेशन असिस्टेंट ऑन, सामने लिख के आ रहा है। अब इसमें मेरे को कुछ तो मतलब ये स्कूटी कहीं भी जाएगी तो आप फ़ोन से देख सकते हो कि स्कूटी कहाँ है, कहाँ जा रही है, चाहे स्कूटी कहीं हो और फ़ोन कहीं हो। नहीं, वो आपको अगर इसकी राइड आप उसको ऑन करके दे दोगे ना ऐप में, आप ले जाओ उसको, लेकिन आप बाद में होने के बाद दिख जाएगा, राइट एंड होने के बाद दिख जाएगा कि वो कहाँ पर रुका था और कहाँ गया था। जैसे मैं डाल देता हूँ आपको यहाँ से नागालैंड डाल देता हूँ आपको, मेरी तरफ से मैं नागालैंड जाना है मेरे को, ठीक है। नेविगेशन स्टार्ट गो, तो ये आपको जेब में रखना है और आपको दिखा रहा है आफ्टर 100 मिनट टर्न राइट। अच्छा, मतलब मैप नहीं दिखाएगा इसमें, खाली ये शो करेगा कितने आपको लेफ्ट, आपको कब लेफ्ट होना है, कितने मीटर से होना है, और कब राइट होना है, कब स्ट्रेट चलना है, कब यू टर्न लेना है, वो सब आपको ये आगे शो करता रहेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फोन कॉल कॉलिंग वगैरह कैसी है, इसमें बात भी जाती है? आपको इसमें आप इसमें को दो चीज़ कर सकते हो, जैसे सेटिंग में जाना, आप उसमें डू नॉट डिस्टर्ब भी कर सकते हो। जैसे कि आपके पास कोई कॉल वगैरह आ रही होगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्कनेक्ट होने के बाद कोई मैसेज चले जाएगा कि डू नॉट डिस्टर्ब, कि वो स्कूटी पर ड्राइव कर रहा है या फिर वो
अभी अदरवाइज कुछ भी। अच्छा ये बताओ आपके पास अगर कॉल आती है तो इसमें क्या शो करता है? शो करता है इसमें? हाँ बिल्कुल शो करता है, इसमें नाम लिख के आएगा उसका, जिसका भी कॉल आ रहा होगा। अच्छा अपने नाम से रखा होगा वो नाम आएगा लिख के। और ये वाली बत्ती होती है ग्रीन कलर की, ब्लिंक करती है। अच्छा जब फोन आएगा, जब फोन आएगा। अच्छा इसमें कोई स्पीकर वगैरह भी लगा हुआ है क्या? आवाज वगैरह आती है? खाली इधर शो करेगा, उधर डिस्प्ले में शो करेगा। और इसमें आपको आप अपनी स्पीड, आप इसमें एक चीज सकते हो अपनी स्पीड अलर्ट, अल्ट करेगा ऊपर नीचे 40 तक कर सकते हो, 50, 60, 120 तक आप ले जा सकते हो उसकी स्पीड। अच्छा ये अलर्ट करेगा आपको, अलर्ट करेगा कि आप हाई स्पीड जा चुके हो। जैसे मैंने की सेट कर रखी है 120 पे कर दी है। ओके और आपको अपना निक नेम कुछ भी डालोगे, ये राइड मेरी स्टार्ट हो चुकी है ऑटोमेटिकली, जैसे स्टार्ट करा है। अभी आप जहाँ भी जाओ ये अब इसमें कनेक्टेड है, देख सकते हो। आराम से उसको बैक कीजिए और अपने फ़ोन को अपने जेब में रख लीजिए। जैसे भी आप इसको बंद करोगे, स्कूटी को ऑन करोगे, आपको कुछ नहीं करना है कि बार बार जाकर उसे कनेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। कनेक्टेड। अच्छा एक बार कनेक्ट करना है आपको, बस एक बार कनेक्ट करने के बाद ये फोन की ब्लूटूथ ऑन रखनी है आपको, बस ब्लूटूथ ऑन करनी है। हाँ ब्लूटूथ ऑन करनी है और स्टेट मोड अपना स्टार्ट हो चुका है, ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपना कनेक्टिंग लिखा आ जाएगा, कनेक्ट ऑफ ब्लूटूथ, अभी होने वाला है कनेक्ट। देखिए प्रीवियस कनेक्टिव ट्रबल्ट्रेट, वैसे 2-4 मिनट ले लेता है कनेक्ट होने में कभी कभी। तो भाई ये थी कुछ अपनी टीवीएस एंटोर की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये है अपनी कुछ टीवीएस की एंटोर।